हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक काउंटेबल नाउंस एंड अनकाउंटेबल नाउंस करेंगे फ्रेंड्स देखिए ये जो नाउंस होते हैं काउंटेबल नाउंस और अनकाउंटेबल नाउंस समझने में काफी आसान होते हैं बट जब हमें इनको अप्लाई करना होता है हमें जब क्वेश्चन दिए जाते हैं बताना होता है कि भाई वो गिवन नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है तो हम बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से इन दोनों टाइप ऑफ नाउंस को समझाऊंगी इनके बीच का डिफरेंस भी बताऊंगी जिससे आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स अब जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है काउंटेबल नाउन्स यानी वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल अब एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं हम कह सकते हैं एन एप्पल या टू एप्पल्स थ्री एप्पल्स तो एप्पल क्या है काउंटेबल नाउन है इसी तरह से एग्स को भी हम काउंट कर सकते हैं वन एग टू एग थ्री एग्स राइट ग्लासेस को भी काउंट कर सकते हैं वन ग्लास टू ग्लासेस थ्री ग्लासेस तो ये सभी हैं काउंटेबल नाउंस बॉयज को भी काउंट कर सकते हैं हम कहते हैं वन बॉय टू बॉयज देयर आर ट्वेंटी बॉयज इन माई क्लास देयर आर ट्वेंटी फाइव गर्ल्स इन माई क्लास तो ये सब जिन चीजों को हम नाउंस को काउंट कर सकें वो कहलाते हैं काउंटेबल nouns. Now, another important point to understand about countable nouns is that only countable nouns can be used with articles such as a, or, an. So, friends, दूसरा point जो समझने का है यहाँ पर वो ये है कि जो articles हैं जैसे कि a और an, इनके ये सिर्फ use होते हैं countable nouns के साथ. ये articles uncountable nouns के साथ use नहीं होते. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ फ्रेंड्स ये जब यूज होते हैं जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल बना देते हैं वो अभी जब हम आगे अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ेंगे तो जब आपको वो क्लियर हो जाएगा पॉइंट राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ए और एन के साथ सिर्फ काउंटेबल नाउन्स यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट अ कैट अ पेंसिल तो यहां पर देखिए एलिफेंट कैट पेंसिल ये सभी काउंटेबल नाउंस हैं तो इनके साथ हम आर्टिकल ए या एन यूज कर सकते हैं नेक्स्ट ओनली काउंटेबल नाउन कैन बी प्रीसीडेड बाय मेनी सेवरल और फ्यू तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि ये जो वर्ड्स हैं मेनी सेवरल और फ्यू इनको हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं ओके okay? दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ समझने का ये है कि ये वर्ड्स जब यूज होते हैं जब हमें पता है कि भी जो नाउन है वो काउंटेबल तो है पर हम उसकी एक्चुअली गिनती नहीं कर रहे हैं हम मैनी जैसे हम कहेंगे बहुत सारे मैनी का मतलब क्या है बहुत सारे तो ये वर्ड्स जब यूज होते हैं जहां पर हम काउंटेबल नाउन्स को एक्चुअली में काउंट नहीं कर रहे फॉर एग्जाम्पल यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम चिल्ड्रन यानी कि तुम बच्चों से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं सकते हो तो यहां पर देखिए हम बहुत सारी मेनी थिंग्स कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि एक चीज दो चीज तीन चीज हम ऐसे काउंट नहीं कर रहे हम कह रहे हैं बहुत सारी चीजें इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर सेवरल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट तो यहां पर कैंडिडेट्स जो है हमें पता है कि वो काउंटेबल नाउन है और हम उसके साथ यूज कर रहे हैं सेवरली फिर है ही हैड फ्यू फ्रेंड्स यानी उसके कुछ फ्रेंड्स थे अब यहां पर मैं फ्रेंड्स को काउंट कर सकती हूँ बट मैं काउंट नहीं कर रही मैं नहीं कह रही कि वन फ्रेंड टू फ्रेंड टेन फ्रेंड्स ऐसे नहीं बोल रहे हम कह रहे कुछ फ्रेंड्स थे उसके तो इस ऐसी जगहों पर फ्रेंड्स हम काउंटेबल नाउम्स के साथ मेनी सेविल फ्यू यूज कर लेते हैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनकाउंटेबल नाउम्स उन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स अब वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि एयर राइस वॉटर ब्रेड ये सभी है अनकाउंटेबल नाउंस क्योंकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हम ऐसे कोई कहते हैं टू एयर फाइव राइजेस थ्री वॉटर्स क्या हम कभी ऐसे बात करते हैं नहीं तो ये सब ऐसे ऐसे जो नाउन्स होते हैं वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूजली राइट सम और एनी बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस जब हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम या एनी लगाते हैं यूजअली हम इन दो वर्ड्स का यूज करते हैं सम या एनी एग्जाम्पल्स दिखाती हूं आई हैव स्पिल्ड सम वॉटर ऑन द टेबल अब वॉटर जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे मैं काउंट नहीं कर सकती उसके लिए मैंने क्या यूज करा है सम आई हैव स्पिल्ड सम वॉटर ऑन द टेबल इसी तरह से आई डोंट हैव एनी मनी अब स्टूडेंट्स मनी भी अनकाउंटेबल होती है आप सोच रहे होंगे क्यों भाई मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं नहीं हम काउंट कर सकते हैं करंसी नोट्स और क्विंस को मनी अनकाउंटेबल नाउन मानी जाती है ओके आई डोंट हैव एनी मनी तो यहां पे हमने एनी यूज करा है मनी से पहले अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो याद रखिए अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते और उनके पहले हम यूजली सम या एनी यूज करते हैं स्टूडेंट्स अब आइए कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स देखते हैं जो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें पता है ब्रेड इज अनकाउंटेबल बट वी कैन काउंट ब्रेड अगर हमें गिवन है लोव्स ऑफ ब्रेड तो वो हम काउंट कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको कहूं मम्मी ने बेटे को कहा गो बाय ब्रेड फ्रॉम मार्केट ठीक है अब यहां पे ब्रेड तो अनकाउंटेबल हो गया पर अगर सेंटेंस में होता गो एंड बाय टू लोव्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम मार्केट तो जब ये लोव्स ऑफ ब्रेड क्योंकि गिवन है ये बन गया काउंटेबल नाउन तो ध्यान से पढ़ने होते हैं हमें ये अनकाउंटेबल नाउन्स की क्या गिवन है ओके okay? ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं वॉटर एंड टी वी नो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स बट वी कैन काउंट ग्लासेस ऑफ वॉटर एंड कप्स ऑफ टी राइट जैसे कि आई गॉट वॉटर फॉर यू अब वॉटर तो अनकाउंटेबल हो गया पर अगर मैं कहूं आई गॉट टू ग्लासेस ऑफ वॉटर फॉर यू तो ये काउंटेबल बन गया ठीक है नेक्स्ट सोप इज अनकाउंटेबल जो सोप है वो अनकाउंटेबल है बट वी कैन काउंट केक्स ऑफ सोप अगर हमें केक्स ऑफ सोप है तो वो काउंटेबल नाउन बन जाता है मनी इज अनकाउंटेबल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मनी अनकाउंटेबल नाउन होती है बट अगर हमें coins और notes की बात करी गई है, तो वो काउंटेबल होते हैं नाउ टू एक्सप्रेस क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स वट वी डू फ्रेंड्स देखिये अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ वर्ड्स एड कर सकते हैं जैसे कि हम एड करते हैं वर्ड सम कुछ एग्जाम्पल शो करती हूँ मे आई हैव सम करी करी क्या है एक अनकाउंटेबल नाउन है ये अगर हमें किसी से भाई कहना है कि मुझे दाल चावल दे दो तो हमें बताना है कि कितने दाल चावल तो मैं कहूंगी कि मुझे कुछ दाल चावल दे दो यानी सम राइस एंड करी तो यहाँ पर हमने वर्ड सम ऐड कर दिया है राइस और करी से पहले ही अस सम गुड एडवाइस यानी कि उसने हमें कुछ अच्छी एडवाइस दी तो एडवाइस क्या है अनकाउंटेबल नाउन है और मैंने जब उसके आगे सम लगाया तो मैंने उसको बताया कि भाई उसने मुझे कुछ अच्छी एडवाइस दी इसी तरह से फ्रेंड्स वी कैन ऑल्सो एड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एग्जाम्पल आई परचेज फाइव किलोस ऑफ राइस फ्रॉम मार्केट देखिए राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है अगर मेरे को उसकी क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है मुझे उसको एक काउंटेबल नाउन बनाना है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ मैं उसके आगे यूनिट लगा सकती हूँ मेजरमेंट के कि भाई पांच किलो दस किलो छह किलो तो मैंने कहा कि मैंने पांच किलो चावल खरीदे मार्केट से राइट तो मैंने एक्सप्रेस कर दी उसकी कि मैंने कितनी क्वांटिटी चावल की खरीदी मिक्स टू टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर इन हाफ लीटर ऑफ मिल्क अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो कस्टर्ड पाउडर है वो अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है पाउडर है ना हम उसी को काउंट नहीं कर सकते बट जब मैंने कहा कि टू टेबल स्पून तो मैंने उसकी क्वांटिटी एक्सप्रेस कर दी मैंने उसको काउंटेबल बना दिया कि दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिला दो किसमें हाफ लीटर ऑफ मिल्क में इसी तरह से फ्रेंड्स मिल्क है मिल्क भी अनकाउंटेबल है बट हमने जब उसके पहले हाफ लीटर लगाया तो हम उसकी मेजरमेंट बता रहे हैं राइट फ्रेंड्स देखिए ये सारी चीजें आप देखते हैं कहाँ जब आप रेसिपीज पढ़ रहे हैं कहीं रेसिपीज में हमें जितनी भी फूड आइटम्स दी हुई होती हैं वो मोस्टली अनकाउंटेबल होती हैं और जब उनके आगे हमको यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिख देते हैं तो वो एक तरह से हम उनको काउंटेबल बना रहे हैं उनकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं नेक्स्ट वी एड वर्ड्स लाइक पैकेट बॉटल बार जार और बैग ऐसे भी वर्ड्स एड करके फ्रेंड्स हम अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि अ बैग ऑफ फ्लावर अ फ्लावर क्या है अनकाउंटेबल नाउन है बट जब मैंने उसके आगे अ बैग ऑफ फ्लावर लगाया तो यानी कि एक बैग फ्लावर का एक बैग आटे का इसी तरह अ बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस अ पैकेट ऑफ नूडल्स जार ऑफ हनी तो ये सभी भी फ्रेंड्स सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और उनसे पहले हमने ऐसे वर्ड्स डाल दिए हैं जिनसे कि हम उनकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं उन्हें काउंट कर पाते हैं अब आइए इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं स्टेट वेदर द नाउंस आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको कुछ नाउन्स दे रही हूं आपको बताना है कि वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो पहला है फ्रेंड्स ब्रेड अब देखिए जो ब्रेड है वो अनकाउंटेबल है पर अगर मैं कहूं स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू स्लाइस ऑफ ब्रेड थ्री स्लाइस ऑफ ब्रेड या मैं कहूं लोफ ऑफ ब्रेड पैकेट ऑफ ब्रेड तो जब फ्रेंड्स ब्रेड क्या हो जाती है वो काउंटेबल नाउन बन जाती है नाउ नेक्स्ट इज मीजर्स देखिए फ्रेंड्स बीजल क्या है एक डिजीज है तो ये अनकाउंटेबल हुआ जो सारी बीमारियां हैं फ्रेंड्स वो सभी अनकाउंटेबल हैं स्टार्स फ्रेंड्स स्टार्स भी अनकाउंटेबल हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्टार्स हैं स्काई में हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते नेक्स्ट इज ग्लव्स ग्लव्स काउंटेबल हैं वी कैन काउंट एनर्जी एनर्जी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नेक्स्ट टी फ्रेंड्स टी जो चाय पत्ती होती है वो भी अनकाउंटेबल है फर्नीचर अब फ्रेंड्स देखिए हम ये नहीं कह सकते वन फर्नीचर टू फर्नीचर नहीं वो गलत है तो ये अनकाउंटेबल है इसी तरह से इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है नेक्स्ट वी हैव जॉब फ्रेंड्स जॉब्स काउंटेबल होती हैं वन जॉब टू जॉब थ्री जॉब्स तो ये काउंटेबल हैं Then we have education. Education is also an uncountable noun. Okay, friends?